हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और आज का दिन कैसा है आप लोग का? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया है। आज सुबह सुबह बच्चों ने मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब आप सोचो क्या सुबह सुबह हुई है और बच्चे कह रहे हैं मुझे नाश्ते में चाहिए मम्मी ओग्लियो एग्लियो मैगी। नाम मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और सबके घर में बच्चे ये जिद कर रहे हैं कि मुझे एग्लियो ओलियो मैगी खानी है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो कमेंट में बताइएगा कि मैं सही नाम बोल रही हूँ या गलत नाम बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बच्चे क्या क्या बनवा सकते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए सुबह सुबह नाश्ता लेकर के आई हूँ, ब्रेकफास्ट बढ़िया सा, जो टिफिन में भी दे जा सकते हैं बच्चे और बहुत चॉप खाएंगे क्योंकि वो टीवी पे देख रहे हैं ना, हर चीज़ खा लेंगे मज़े में। तो उसके लिए क्या क्या तैयारी की मैंने, आप देखते जाइए। ये मैंने लिया है उसकी सामग्री। पहले तो एक पैकेट मैगी ली और मैगी का मसाला, जो तो सिंपल मैगी में भी लगता है, ये लिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, 3-4 कली लहसुन की, उनको काट लिया है। ये चिली फ्लेक्स है, ये छोटा सा थोड़ा सा काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर, और ये है ऑर्गेनो, और ये है क्या है बेटा, आपको इसका नाम पता है? नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये आप लोगों के लिए मिस्ट्री है, इसका क्या नाम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं, गैस ऑन करते हैं, गैस को ऑन करते हैं और इसमें हम 1 कप पानी रखते हैं, ये उबलने के लिए पानी रख दिया मैंने। ठीक है, पानी कम लग रहा हो थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं, बस इतना बहुत है। और इसी में हम अपना मैगी डाल देते हैं उबलने के लिए। बस मैगी को उबलने का इंतजार करते हैं। 1, 2, 3 उबल गई है ना, अब इसको हम जल्दी से ड्रेन कर लेते हैं, यानी कि इसका पानी अलग कर देते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए, एक जाली वाला कोई बर्तन लेंगे और उसमें ये हमने अपनी मैगी ड्रेन कर दी। ठीक है, जब तक ये मैगी इधर ठंडी होती है, आइए और अपना दूसरा काम करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने फिर से वापस अपनी कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड, बहुत थोड़ा सा रखा है रिफाइंड, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे, लहसुन। लहसुन देखिए डाल दिया और रिफाइंड देखिएगा बहुत ही कम मैंने यूज किया ना, बस आप भी इतना ही कीजिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का सा ये हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, मतलब कि सुनहरा हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना इसको, बस थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, आ जा अलग हो जाए, हो गया। ये देखिए दोस्तों, और आपको ये बता दें जब आप ये बनाएंगे आपके बच्चे आपके पास ही खड़े रहेंगे देखने के लिए कि मम्मा क्या बना रही है, और बिना कोई भी नानुपुर किए सब नाश्ता फिनिश कर देंगे और टिफिन जो आएगा ना आपको एकदम साफ पूछा हुआ, यार आज तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से टिफिन कर लिया। देखिए हल्का सा सुनहरा हो गया ये, और साथ में हम ये डालते हैं चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑर्गेनो, थोड़ा सा काली मिर्च, बहुत थोड़ा थोड़ा सब चीज़ इस्तेमाल किए आप भी, बस क्योंकि 1 पैकेट मैगी ही बना रहे थे उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये डाला नमक, नमक मैगी में भी होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नमक जो है बहुत कम मात्रा में डालना होगा। ये डाला मैंने मैगी भुना मसाला जो मैगी के अंदर होता है, साथ में जो मैगी का पानी निकाला था मैंने बस थोड़ा सा, खुशबू आई, ये देखिए बस हो गया ना कमाल। ये देखिए हो गया ना मैजिक,
और अब मैंने ये डाल दिया इसमें। इसका नाम तो आप ही को बताना है दोस्तों क्या है। बस कुछ तो मुझे भी पूछना चाहिए ना बच्चों से, दोस्तों से कि क्या डालो। और ये पड़ गया साथ में, मैं ये गया मैगी मेरा पैन में। बस करना क्या है, एक बार इधर चलाया एक बार उधर चलाया, ऐसे ऐसे राउंड 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 राउंड। बच्चों ने बच्चों को पोयम पढ़ी है, बस उसी से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। बस हो गया तैयार, मिनटों में बनके ये ब्रेकफास्ट आपका तैयार हो गया। चलिए प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बच्चों का मनपसंद ओलियो ओलियो मैगी तैयार हो गया है। अब आपके बच्चे और आप इसको बनाइएगा, बच्चे खाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा बना। और एक बात तो आपको भूलनी नहीं ना दोस्तों कि मेरा चैनल है कविता देसी किचन, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर दीजिएगा। कविता देसी किचन, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू दोस्तों।